नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अभी आप देख रहे हैं एक ऐसी खबर जिसमें मालवांचल में महिलाएं दशा माता का व्रत करती हैं और इस उपवास के दौरान वे अपनी दिशा और दशा सुधारने के लिए भगवान की मन्नत करती हैं। इसका महत्व ये है कि पूजा करने से बोलते हैं कि हर साल आप पूजा करेंगे तो दशा बदलती है। जो ना पूजा करते हैं, ये धागा होता है पीले कलर का, इसमें 10 गांठे बांधे गए और ये साल भर पहन के रखते हैं और हर साल की पूजा की जाती है। और बोलते हैं कि ना अच्छे मन से श्रद्धा से की जाए, ये बहुत पवित्र पावन व्रत है। इसके पूजा करने से ही घर की दशा जरूरी बदलती है। अगर इसे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो ये बहुत अच्छा लाभकारी है। ये हमने प्रत्यक्ष उदाहरण अंदर देखा ही है। मालवांचल में मनाया जाने वाला दशा माता का व्रत चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की दशमी को किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से बुरा समय दूर हो जाता है, दशा और दिशा सुधर जाती है और अच्छा समय आ जाता है। माना जाता है जब किसी की दशा ठीक हो जाती है तब उसके सभी कार्य सफल होने लगते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की दशा खराब होती है तो उसके कार्य में बाधा आने लगती है। इसलिए चैत्र मास की दशमी को दशा माता का व्रत किया जाता है जिससे व्यक्ति के जीवन में चल रहा बुरा समय दूर हो सके। ये तो हम अपने घर की दशा बदलने के लिए करते हैं कि हमारे घर की दशा सुधरती है इससे पूजा करने से, और घर में धन धान्य के लक्ष्मी का आना होता है इसलिए पूजा की जाती है। और यहाँ से अगर बड़ की पूजा करते हैं उसमें से वो जो बड़ के ऊपर जो छाल आती है उसको ले जाके घर में अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, उसको बोलते हैं कि वो सोना ले जाते, तो सोने की पूजा करते फिर करते हैं।